Hello student, in the last video we have discussed enantiomers and diastereomers. Enantiomers हमारे वो compounds होते हैं, वो isomers होते हैं जो एक दूसरे की mirror image होते हैं, but हमारी जो mirror image है वो non superimposable होती है. Diastereomers में हमारे पास compounds होते हैं, ना तो वो exactly mirror image होते हैं ना ही वो identical होते हैं. तो इस तरह हमने लास्ट वीडियो में डायस्टीरियोमर एंड एनेंशियोमर्स डिस्कस करे. अब हमारे पास नेक्स्ट टाइप के डायस्टीरियोमर्स हैं, नेक्स्ट टाइप के आइसोमर्स हैं हमारे पास एरिथ्रो एंड थ्रियो आइसोमर्स. हमारे पास सपोज डायस्टीरियोमर है, वो हमारी थ्रियो फॉर्म है, एरिथ्रो फॉर्म है, हम कैसे प्रेडिक्ट करेंगे. सपोज मेरे पास ये कंपाउंड है, इसकी मेरे पास दूसरी डायस्टीरियोमर, दूसरा डायस्टीरियोमर मेरे पास सपोज ये वाला है. ये कंपाउंड अगर मैं फर्स्ट एंड सेकेंड का रिलेशन देखो, ये वाला पार्ट हाफ मुझे मिरर इमेज फील हो रहा है, ये मुझे आइडेंटिकल फील हो रहा है, ये मेरे आपस में डायस्टीरियोमर्स हो गए. अब डायस्टीरियोमर में भी ये एरिथ्रो एंड थ्रियो हम कैसे देखेंगे, हम यहाँ पे थ्रियो वर्ड देंगे, देखेंगे थ्रियो टी से शुरू हो रहा है, इसको हम ट्रांस से कोरिलेट करेंगे. ट्रांस हमारे पास हमने लोअर क्लासेस में करा है, जब हमारे पास एल्कीन मॉलिक्यूल्स होते हैं, सिस एंड ट्रांस डायस्टीरियोमर्स होते हैं. सिस में हमारे दो सेम ग्रुप सेम साइड होते हैं, ट्रांस में सेम ग्रुप ऑपोजिट साइड होते हैं, दैट इज सेम ग्रुप ऑपोजिट साइड. अब इस केस में मेरे पास सेम ग्रुप OH OH ऑपोजिट साइड है, तो ये मेरे पास ट्रांसफॉर्म हो जाएगी. इसके ऑपोजिट सेम ग्रुप सेम साइड मेरे पास ट्रांस है. डायस्टीरियोमर के केस में यहाँ पे हमारे पास ये थ्रियो डायस्टीरियोमर हो गए, ये हमारे पास एरिथ्रो डायस्टीरियोमर हो जाएंगे. तो इस तरह मेरे कोई भी डायस्टीरियोमर एरिथ्रो थ्रियो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करें हम कैसे प्रेडिक्ट करेंगे. अगर मेरे सेम ग्रुप ऑपोजिट साइड है थ्रियो फॉर्म है और एरिथ्रो फॉर्म, इसके ऑपोजिट मेरे पास क्या होगी सेम ग्रुप सेम साइड, तो इस तरह हम इजीली दोनों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. मेरे पास कोई भी डायस्टीरियोमर थ्रियो फॉर्म में है एरिथ्रो फॉर्म में. देन उसके बाद हमारे पास एक और टर्म थी मीजो कंपाउंड. मीजो कंपाउंड्स हमारे ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, वो कंपाउंड्स में टू सिमिलर कायरल सेंटर्स होते हैं, टू सिमिलर कायरल सेंटर. हाफ ऑफ द मॉलिक्यूल दूसरे के मिरर इमेज होता है और वो सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होते हैं. सपोज मेरे पास टार्टरिक एसिड है, टार्टरिक एसिड में भी मेरे पास यहाँ पे एरिथ्रो फॉर्म है. अगर आप देखोगे मेरे मॉलिक्यूल में टू कायरल सेंटर्स है, टू सिमिलर कायरल सेंटर्स है, बिकॉज उन पर बाकी तीनों ग्रुप्स एग्जैक्टली सेम लगे हुए हैं. ये मेरे मॉलिक्यूल में एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ये मेरा प्लेन मॉलिक्यूल को टू इक्वल हाफ में डिवाइड करते हैं, जो कि एक दूसरे की मिरर इमेज है, मिरर इमेज भी सुपर इम्पोजिबल. उसकी वजह से सपोज हाफ ऑफ द मॉलिक्यूल मेरी लाइट को इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, दूसरा हाफ मेरा इस डायरेक्शन में गया, नेट मेरे पास ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑप्टिकल रोटेशन मॉलिक्यूल की जीरो हो जाती है, मेरा मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव आ जाता है. मीजो कंपाउंड इन मॉलिक्यूल में मेरे पास दो कायरल सेंटर होते हैं, दैट इज दोनों कार्बन पे जो ग्रुप्स लगे होते हैं एग्जैक्टली सेम होते हैं. मेरा मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है, जो मेरे मॉलिक्यूल को टू इक्वल हाफ में डिवाइड करते हैं, जो कि एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं, उस वजह से मेरा मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है. अब मेरे मॉलिक्यूल के अरेंजमेंट, मेरे मॉलिक्यूल में कॉन्फिग्रेशन, मेरी मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर इस तरह है कि मॉलिक्यूल में ऑप्टिकल रोटेशन जीरो हो जाती है, तो इसको हम
इंटरनल कंपनसेशन भी कहते हैं. इंटरनल मीन्स अंदर, मेरे मॉलिक्यूल के विद इन कुछ ऐसी स्ट्रक्चर है जिस वजह से वो मॉलिक्यूल की ऑप्टिकल एक्टिविटी ज़ीरो हो जाते हैं, मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं. उसके अंदर ऐसी कैसी स्ट्रक्चर है, मेरे मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री है जो मॉलिक्यूल को टू इक्वल हाफ में डिवाइड करते हैं, जो कि इस एक दूसरे की मिरर इमेज है. ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या कह देते हैं, मीजो कंपाउंड. दैट इज मेरे मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री है जो कि मेरे मॉलिक्यूल में टू ऐसे हाफ देता है जो कि सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस है. तो इस वजह से हमारे मॉलिक्यूल में नेट ऑप्टिकल एक्टिविटी ज़ीरो आ जाती है. अब इसके ऑपोजिट हमारे पास एक और टर्म है, एक्सटर्नल कंपनसेशन. एक्सटर्नल कंपनसेशन हमारे पास क्या है, मॉलिक्यूल में एक्सटर्नली, मॉलिक्यूल में हम बाहर से कुछ ऐसा ऐड करते हैं जिस वजह से उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी ज़ीरो हो जाती है. ये अब कैसे पॉसिबल है, सपोज मेरे पास कोई ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, मेरे पास सिर्फ एक फॉर्म है. सपोज मेरे पास ये लैक्टिक एसिड है, मींस वो डेक्स्ट्रो नेचर का है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी नेचर का है, वो लाइट को राइट में रोटेट करता है. अगर मैं इसमें कुछ और ऐड कर दूँ, क्या ऐड करूँगी, मेरे मॉलिक्यूल की ऑप्टिकल एक्टिविटी ज़ीरो हो जाएगी. सपोज इसकी रोटेशन 50 डिग्री हम कह दें, इसमें मैं ऐसा क्या ऐड करूँ जिससे उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी ज़ीरो हो जाए, मींस मैं -50 डिग्री वाला कोई कंपाउंड इसमें ऐड करूँ, वो क्या पॉसिबल है, लीवोलैक्टिक एसिड, लीवोरोटेटरी लैक्टिक एसिड जिसको मैं माइनस से रिप्रेजेंट करती हूँ, ये मेरा लीवो नेचर का हो गया. तो मेरे पास नेट ऑप्टिकल एक्टिविटी ज़ीरो आ जाएगी, मेरा मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव होएगा. अगर मैं एक्सटर्नल और इंटरनल का कंपैरिजन करूँ, एक्सटर्नल में मैं बाहर से मॉलिक्यूल ऐड करना पड़ रहा है, उसका दूसरा आइसोमर ऑप्टिकल आइसोमर, जिस वजह से मेरी नेट ऑप्टिकल, क्योंकि ये लाइट को +50 कर रहा है, ये -50 तक रोटेट कर रहा है, नेट मेरे पास ज़ीरो हो गया. उस केस में मेरे पास ऑप्टिकल इनएक्टिविटी आती है, मैं एक्सटर्नली कुछ कंपाउंड ऐड करती हूँ, मेरी जो ऑप्टिकल रोटेशन है एक मॉलिक्यूल की कैंसिल हो रही है क्योंकि उसमें मैंने इक्वल अमाउंट में एडिड अदर ऑप्टिकल आइसोमर इन इक्वल अमाउंट, जिस वजह से मेरे पास ऑप्टिकली एक्टिविटी ज़ीरो आ जाती है. जब मेरे पास ऐसा हो रहा है तो मेरे पास रेसमिक मिक्सचर बन रहा है. जब दो एक डेक्सो फॉर्म है, एक रोटेट लिवो फॉर्म है, तो मेरे पास रेसमिक मिक्सचर आ गया, जहाँ पे जो मेरा ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड आया बिकॉज ऑफ रेसमिक मिक्सचर आ जाता है. तो अब हम एक्सटर्नल एंड इंटरनल कंपनसेशन में कंपैरिजन कर सकते हैं. सबसे पहला हमारे पास पॉइंट है, जो एक्सटर्नल कंपनसेशन है वो मेरी अनेंशियोमर्स की वजह से होती है, क्योंकि जो अनेंशियोमर्स हैं वो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है. एक अनेंशियोमर दूसरे अनेंशियोमर्स की ऑप्टिकल एक्टिविटी कैंसिल कर देता है, तो नेट ऑप्टिकल एक्टिविटी मेरे पास ज़ीरो आ जाती है. तो ये बिकॉज ऑफ अनेंशियोमर्स, क्योंकि इन मॉलिक्यूल्स में आप दो डिफरेंट अनेंशियोमर्स को हम मिक्स कर देते हैं. इंटरनल कंपनसेशन में मेरे मॉलिक्यूल डायस्टीरियोमर की वजह से हो रहा है, मेरा मॉलिक्यूल डायस्टीरियोमर फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है. वन हाफ ऑफ मॉलिक्यूल इज मिरर इमेज ऑफ अदर हाफ.
देन उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है, इस केस में हमारे पास एक अनेंशोमर की ऑप्टिकल रोटेशन दूसरे की वजह से कैंसिल हो जाती है. वन ऑप्टिकल आइसोमर कैंसिल ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ अदर आइसोमर. इस केस में मेरे पास क्या है, वन हाफ ऑफ मॉलिक्यूल कैंसल्स ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ अदर हाफ. नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास क्या है, ये मॉलिक्यूल इनएक्टिव है बिकॉज ऑफ रेसमिक मिक्सचर बन जाता है. दैट मीन्स यहाँ पे हमारे पास मिक्सचर ऑफ टू अनेंशियोमर्स है. यहाँ पे मेरे पास प्योर कंपाउंड है. एक ही डायस्टीरियोमर में हमारे पास प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है जो मेरे मॉलिक्यूल की ऑप्टिकल रोटेशन जीरो कर देता है. अब इस केस में हमारे पास पार्शियल या कंप्लीट रेसमिक मिक्सचर हो सकता है. ऑप्टिकल एक्टिविटी पार्शियली या कंप्लीटली जीरो हो सकती है. कंप्लीटली जीरो मींस दोनों इक्वल अमाउंट में पड़े. पार्शियली मींस एक अनेंशियोमर सपोज मैंने 60% ले लिया, दूसरा 40 ले लिया, तो मेरी जो नेट ऑप्टिकल एक्टिविटी है लेस हो जाएगी. तो इस केस में हमारे पास पार्शियल और कंप्लीट इंटरनल कंपनसेशन हो सकती है. डिपेंड करेगा हमने कितनी दोनों की रेशियो लिए. अगर हमने इक्वल अमाउंट में ले लिए दोनों अनेंशियोमर्स, मेरे पास कंप्लीट कंपनसेशन होगी, रेसमिक मिक्सचर हो गया. बट अगर मैंने दोनों की अनइक्वल अमाउंट लेगी तो मेरे पास पार्शियल कंपनसेशन हो जाएगी. इस केस में हमारे पास कंप्लीट होती है हमेशा, क्योंकि एक हाफ दूसरे हाफ की ऑप्टिकल रोटेशन कैंसिल करेगा. तो हमारे पास यहाँ पे कंप्लीट कंपनसेशन होती है. कंप्लीट कंपनसेशन में भी हमारे पास एक्सटर्नल. देन उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है, इस केस में हम रेसमिक मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं. दैट मीन्स ये हमारा रिवर्सिबल प्रोसेस हो गया. इस केस में हमारे पास डायस्टीरियोमर को हम नहीं सेपरेट कर सकते, तो ये हमारा इरिवर्सिबल हो गया. और परमानेंट हो गया. क्योंकि हम यहाँ पे एक ही, जब हमारे पास प्योर फॉर्म है तो हम उसको सेपरेट नहीं कर सकते. तो ये हमारे पास एक्सटर्नल है. इंटरनल कॉम्पनसेशन क्या होती है और उनके डिफरेंसेस आ गए. देन उसके बाद हमारे पास रेसमाइजेशन टर्म आ गई. हमारे पास रेसमिक टर्म मिक्सचर टर्म आया. रेसमिक मिक्सचर हमारे पास क्या होता है, रेसमिक मिक्सचर जब हमारे पास मिक्सचर आ जाता है दो अनेंशियोमर का, मिक्सचर भी कौन सा, इक्विमोलर, दोनों की सेम अमाउंट है. इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ टू अनेंशियोमर रिजल्ट्स इन ऑप्टिकली इनएक्टिव मिक्सचर. इसको हम क्या बोल देते हैं, रेसमिक मिक्सचर और रेसीमेट. ये कैसे पॉसिबल है, अगर मैं डेक्स्ट्रोफॉर्म
एंड लीवोफॉर्म फॉर्म को मिक्स कर दो। इसके सपोज ऑप्टिकल रोटेशन 15 डिग्री प्लस राइट डायरेक्शन में, इसके नेगेटिव डायरेक्शन में, जब दोनों को मिक्स करूँ नेट ज़ीरो हो गया, ये मेरे पास रेसिमिक मिक्सचर आ जाता है। अब हमारे पास रेसिमाइजेशन कैसे पॉसिबल है? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव मिक्सचर इज कॉल्ड, उस प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं? रेसिमाइजेशन। अब हमारी रेसिमाइजेशन कैसे पॉसिबल है? हमने दोनों नेंशुमर्स का इक्वल अमाउंट ले ली, मिक्स कर दिया, मिक्सचर ऑफ बोथ इक्यूमोलर मिक्सचर ऑफ बोथ नेंशुमर्स। और हमारे पास रेसिमाइजेशन कैसे हो सकती है कि हमारे पास कंपाउंड विद द टाइम रेसिमिक मिक्सचर में कन्वर्ट हो जाए, जो मेरा सेकेंड वे रेसिमाइजेशन कैसे पॉसिबल है? कंपाउंड विद टाइम, या उसे हम किसी रिएजेंट के साथ ट्रीट करें, वो ऑप्टिकली एक्टिव से ऑप्टिकली इनएक्टिव में कन्वर्ट हो जाए। तो इस तरह हमारे पास एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म हमने उसमें मिक्स करी तो हमारे पास रेसिमिक मिक्सचर बन जाता है। अब हमारा जो प्रोसेस रेसिमाइजेशन कैसे पॉसिबल है? सबसे पहला मेथड हमारे पास है बाय रोटेशन अबाउट कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। हमारे कुछ मॉलिक्यूल्स रूम टेम्परेचर पे या वार्म करने पे एक फॉर्म दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, दैट इज बाय एक्शन ऑफ हीट। जब वो वार्म होता है तो हमारे पास एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, या एक फॉर्म कुछ पार्ट दूसरी फॉर्म दे देती है। तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड ऑन हीटिंग, डेल्टा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम हीट को, इनएक्टिव में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे पॉसिबल है? सपोज मेरे पास कोई मॉलिक्यूल है, बाइफिनाइल कंपाउंड है, ये मेरे पास हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म होती है, बट जब हम इसे वार्म करते हैं इस सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन पॉसिबल है, रोटेशन पॉसिबल है, तो मेरे पास एक्टिव फॉर्म रोटेट करके हमें इनएक्टिव फॉर्म दे देती है। देन उसके बाद है एक्शन ऑफ केमिकल रिएजेंट। कुछ मॉलिक्यूल्स में हमारे एसिड बेस इम्प्योरिटीज बढ़ी होती हैं, एसिड बेस इम्प्योरिटीज की वजह से मेरे पास एक फॉर्म दूसरी फॉर्म दे देती है, या एक फॉर्म मिक्सचर ऑफ बोथ दी फॉर्म्स दे देता है, जिस वजह से मेरे मॉलिक्यूल में रेसिमिक मिक्सचर या रेसिमाइजेशन हो जाती है। ये अब हमारे पास कैसे पॉसिबल है? हमारे पास सपोज कोई कंपाउंड है, एसिड और बेस दोनों के प्रेजेंस में हम देखेंगे कैसे वो मिक्सचर रेसिमिक मिक्सचर में कन्वर्ट हो जाता है। सपोज मेरे पास ये कंपाउंड है CH3C OH CH3C2H5। एसिड मीन्स H पॉजिटिव हमारा ओ पे अटैक करेगा, मेरा मॉलिक्यूल में CH3OH पॉजिटिव CH3 बन गया। देन उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन्स मेरे, ये हाइड्रोजन मेरी H पॉजिटिव निकल जाएगी,
ये हाइड्रोजन एज एच पॉजिटिव निकल गए, वो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ डबल बॉन्ड बना के और ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट हो गए, तो मेरे पास नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या बनी आफ्टर लॉस ऑफ एच पॉजिटिव, CH3COH डबल बॉन्ड CH3C2H5। अब अगर हम देखें ये मेरा प्लेनर बन गया, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, मेरा मॉलिक्यूल प्लेनर हो गया। प्लेनर है तो उसमें ऊपर एंड नीचे दोनों से अटैक हो सकते हैं। सपोज ये मेरा प्लेनर मॉलिक्यूल है, ये मेरा मॉलिक्यूल प्लेनर है, इसमें ऊपर से भी अटैक हो सकते हैं, नीचे से भी हो सकते हैं, और दोनों की इक्वल प्रोबेबिलिटी है। दैट मीन्स मेरे पास अगर एच पॉजिटिव यहाँ पे अटैक करता है, यहाँ पे अटैक करता है, तो मेरे पास एक फॉर्म के बजाय दोनों मिक्सचर हो जाएगा। वो कैसे पॉसिबल है? अगर मेरे पास एच पॉजिटिव यहाँ पे अटैक कर देता है, इस साइड से अटैक करेगा अगर एच पॉजिटिव मेरा, तो मेरे पास ओरिजिनल कंपाउंड आ जाएगा। अगर एच पॉजिटिव मेरा यहाँ से अटैक कर रहा है तो मेरे पास ओपोजिट फॉर्म आ जाएगी। दैट मीन्स इस केस में मेरे पास इधर जब एच पॉजिटिव अटैच होएगा ये वाली फॉर्म दे देगी, या मेरे पास और दूसरी फॉर्म क्या आ जाएगी, अगर एच पॉजिटिव इधर से कर रहा है तो मेरे पास ओरिजिनल आएगी। मैं दोबारा से आपको ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन में मेरे पास इंटरमीडिएट प्लेनर स्ट्रक्चर बनती है, sp2 हाइब्रिडाइज स्ट्रक्चर बनती है, जिस वजह से प्लेनर स्ट्रक्चर है उसके ऊपर और नीचे दोनों साइड से अटैक हो सकता है। दोनों साइड से अटैक हो रही तो मेरे पास मिक्सचर ऑफ बोथ फॉर्म्स बन गया। मैंने स्टार्टिंग फॉर्म ऑप्टिकली एक्टिवली, और मेरे पास एक ही फॉर्म है, चाहे मैं इसको डेक्सो कह दूँ या लीवो कह दूँ। सपोज ये मेरी डेक्सो फॉर्म ले ली मैंने, प्रोडक्ट मेरे पास डेक्सो फॉर्म भी है, लीवो भी बन रही है। तो मेरे पास अगर मेरे मॉलिक्यूल में ये दोनों फॉर्म्स बन रही हैं तो मेरे पास रिस्मिक मिक्सचर बन गया। ये तो मेरी एसिड कैटलाइज का मैकेनिज्म था। बेस कैटलाइज में मेरे पास सपोज कार्बोक्सिलेट सॉल्ट है किसी भी कंपाउंड का, मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर देती हूँ। अब इस केस में बेस के प्रेजेंस में बेस प्रोटोन एब्स्ट्रैक्ट करता है, और ये जो कार्बोक्सिलेट आयन की वजह से एच इजीली एसिडिक बिहेव कर देती है, एसिडिक बिहेव करे वो एज ए एच पॉजिटिव चली जाएगी, एच पॉजिटिव चली जाएगी प्रोटोन इस बेस के साथ, तो एच पॉजिटिव गया वो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे डबल बॉन्ड बना देंगे और ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो गए, तो मेरे पास क्या स्ट्रक्चर बनेगी मॉलिक्यूल में जब एच पॉजिटिव गया, O नेगेटिव डबल बॉन्ड OH CH3 इनोलिक फॉर्म बन गई मेरे पास। इनोल हमारे पास क्या होते हैं, डबल बॉन्ड एंड OH। अब इस केस में अगेन मेरा H पॉजिटिव इधर से भी अटैक कर सकता है, इधर से भी अटैक कर सकता है। अगर मेरा H पॉजिटिव इधर से अटैक करे मॉलिक्यूल में, H ने यहाँ अटैक करा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, दैट इज़ मेरे मॉलिक्यूल में क्या स्ट्रक्चर आ गई, ओरिजिनल। एच अगर मेरा इधर से अटैक कर जाए मेरे पास क्या स्ट्रक्चर आ जाएगी, सॉरी यहाँ पे मेरे मॉल, हाँ ये बनेगी इस केस में। अगर एच मेरा यहाँ पे अटैक कर रहा है तो मेरे पास OH उस साइड चला गया, दैट इज CH3COH। मेरे पास दोनों फॉर्म्स आ गई, सपोज ये मेरी डेक्सो फॉर्म है, ये मेरी लीवो फॉर्म है, मैंने इनिशियली ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड लिया या दोनों में से एक फॉर्म ली, सपोज मैंने ये वाली फॉर्म ले ली, मेरे पास दोनों का मिक्सचर बन रहा है, दोनों फॉर्म्स बन गए। अगेन मेरे पास क्या प्रोसेस हो गया, रेसमाइजेशन। फर्स्ट प्रोसेस था हम इसे हीट करते हैं, सेकेंड प्रोसेस हमारे पास क्या था, बाई एक्शन ऑफ केमिकल रिएजेंट्स। थर्ड हमारे पास है ऑटोरेसमाइजेशन। ऑटोरेसमाइजेशन वर्ड का क्या मीनिंग होता है, अपने आप कंपाउंड विद टाइम, ऑटो मीन्स सेल्फ। मैंने एक फॉर्म ली, विद टाइम वो मुझे ऑप्टिकली इनेक्टिव फॉर्म दे दे,
तो ये मेरी ऑटो अपने आप मॉलिक्यूल एक फॉर्म से रेसिनिक मिक्सचर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये मेरे पास डिफरेंट प्रोसेसेस है जहाँ पे रेसिमाइजेशन पॉसिबल है। एक और मेथड है भाई SN1 मैकेनिज्म रिएक्शन। SN1 मैकेनिज्म हमारी जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है फर्स्ट ऑर्डर है। मेरे इंटरमीडिएट्स कार्बोकेटाइन बनते हैं। कार्बोकेटाइन्स मेरे प्लेनर होते हैं। सपोज मेरा मॉलिक्यूल है ये मॉलिक्यूल है मेरा, इसको मैं एक्वस KOH के साथ ट्रीट करती हूँ या किसी भी बेस के साथ ट्रीट करती हूँ। जहाँ पे मेरे पास इंटरमीडिएट किटाइन्स बनते हैं, इंटरमीडिएट किटाइन्स बनेंगे मेरे मॉलिक्यूल में, दैट इज़ ये वाला बॉन्ड मेरा ब्रेक हो रहा है। तो मेरे पास किटाइन बन गया, प्लेनर स्पीशीज हो गई, प्लेनर है। अब OH नेगेटिव मेरा ऊपर से भी अटैक कर सकता है, नीचे से भी कर सकता है, दोनों साइड से इक्वल प्रॉबिलिटी है क्योंकि प्लेनर मॉलिक्यूल है। तो मेरे पास यहाँ पे रेसिमिक मिक्सचर बन जाता है। तो ये हमारे डिफरेंट डिफरेंट वेज है जिससे हमारे पास मॉलिक्यूल में रेसिमिक मिक्सचर बन जाता है। अब हमारे पास रेसिमिक मिक्सचर बना है तो उसके सेपरेशन का भी वे होना चाहिए। दैट इज़ मेरे पास किसी केस में रेसिमिक मिक्सचर है, उनको मैंने सेपरेट करना है ऑप्टिकली एक्टिव बोथ फॉर्म्स। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन हमारे पास क्या हो गया, सेपरेशन ऑफ रेसिमिक मिक्सचर। किस में हम सेपरेट कर रहे हैं, इनटू इट्स बोथ एनेंशियमर्स। वो मेरे पास क्या हो जाता है, रेजोल्यूशन। दैट इज मेरे पास रेसिमिक मिक्सचर है, उसे मैंने सेपरेट कर लिया। मेरे पास डेक्सो फॉर्म भी आ गई, लीवो फॉर्म भी आ गई। उस प्रोसेस को हम क्या कह देते हैं, रेजोल्यूशन। अब रेजोल्यूशन कैसे कैसे पॉसिबल है, सबसे पहले हमारे पास मेथड है मैकेनिकल सेपरेशन। मेरे पास क्या होती है, बाई हैंड पिक करके हम दोनों फॉर्म्स सेपरेट कर सकते हैं। ये कब पॉसिबल है, जो मेरे मॉलिक्यूल की अगर मैं नेकडाई या लेंस से देखूं, मेरे मॉलिक्यूल में टू डिफरेंट क्रिस्टल्स दिख रहे हैं। हम लोगों ने जब एनेंशियोमर टॉपिक स्टडी करा था, पास्चर ने एनेंशियोमर जो टर्म है इसी बेस पे डिफाइन करी थी कि जो हमारे पास मॉलिक्यूल है ना, सोडियम अमोनियम टार्ट्रेट, दैट इज सोडियम अमोनियम टार्ट्रेट। टार्ट्रिक एसिड है मेरे पास, उसका सॉल्ट है। इस मॉलिक्यूल में जो मेरे पास दोनों फॉर्म्स है ना, वो नेक डाई से भी दोनों उसमें अलग अलग स्ट्रक्चर, सपोज एक मॉलिक्यूल इस शेप में एग्जिस्ट कर रहा है, दूसरा इस शेप में एग्जिस्ट कर रहा है। तो विद द हेल्प ऑफ ट्वीजर या हम कोई भी प्लग कर किसी भी से दोनों फॉर्म्स सेपरेट कर ली। जब सेपरेट करके उनके ऑप्टिकली एक्टिव देखा तो एक मेरे पास फॉर्म डेक्सो आ गई और दूसरी लीवो फॉर्म आ गई। एक की ऑप्टिकल एक्टिविटी अगर प्लस डायरेक्शन में, दूसरे की नेगेटिव में। बट ये मेथड के हमारे पास कुछ लिमिटेशन है। सबसे पहला क्या है, टाइम कंज्यूमिंग। हम एक एक मॉलिक्यूल को पिक करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग, और तुम क्या कह सकते हो, लेबोरियस हो गया, बहुत मेहनत लगेगी हमारी। सिकिन हमारे पास क्या ड्रॉबैक होगी, ये उसी केस में पॉसिबल है जब मॉलिक्यूल के क्रिस्टल्स मिरर इमेज फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, अदरवाइज नहीं पॉसिबल। तो ये हमारा मैकेनिकल सेपरेशन थी। हम हाथ से मॉलिक्यूल्स के क्रिस्टल्स को चुन चुन के उठा लेते हैं, एक टाइप के क्रिस्टल्स हमने अलग रख लिए, दूसरे टाइप के अलग रख लिए, देन उसके सेपरेट कर दिए। तो बट इसमें हमारी बहुत ज़्यादा मेहनत लग जाती है। देन उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है बायोकेमिकल सेपरेशन। बायोकेमिकल वर्ड का मीनिंग सेपरेशन का है
with the help of microbes. और एंजाइम्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. हमारी बॉडी में डेक्सो शुगर डाइजेस्ट हो जाती है. डाइजेस्ट कौन करता है? बाय एंजाइम्स ऑफ आवर बॉडी. लीवर रोटेटरी फॉर्म नॉट डाइजेस्टेड बाय एंजाइम्स. तो अब हमारे पास कोई शुगर है, सपोज मेरे पास रेसमिक मिक्सचर है शुगर, दैट मींस दोनों फॉर्म से हम रेसमिक मिक्सचर को ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं. इसका मीनिंग है डेक्सो एंड लीवो फॉर्म दोनों है. उसको हमने उसी एंजाइम के साथ ट्रीट करा. एंजाइम ने प्लस वाली फॉर्म सेपरेट कर दी, कंज्यूम कर ली, डाइजेस्ट कर दी. लास्ट में मेरे पास नेगेटिव फॉर्म आ गई, बिकॉज यहाँ पे मेरे पास प्लस फॉर्म डेक्सो फॉर्म इज डाइजेस्टेड बाय digested by और consumed by enzyme. जब मेरे पास यहाँ पर ऐसा हो रहा है तो मेरे पास पीछे liver form बच गई. तो इस वैसे हम सेपरेट कर सकते हैं, बट इसकी लिमिटेशन हमारी क्या है? हमारे पास हाफ क्वान्टिटी ही रहेगी. ओनली हाफ क्वान्टिटी हैज लेफ्ट, बाकी रेस्ट तो कंज्यूम ही हो गई, जो ही हमारा इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक हो गया. एक फॉर्म कम्प्लीटली ख़त्म हो गई हमारी. देन उसके बाद हमारे पास है केमिकल मेथड. केमिकल मेथड्स में हम एनेंशियोमर्स को डायस्टीरियोमर में कन्वर्ट करते हैं. हमें पता है डायस्टीरियोमर्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है. ऑन दैट प्रॉपर्टीज हम इनको सेपरेट कर देते हैं. अब वापस डायस्टीरियोमर को एनेंशियोमर में कन्वर्ट कर देते हैं. दैट इज पहले मैंने एनेंशियोमर्स दोनों लिए, जिसको मैं क्या कह सकती हूँ, रेसमिक मिक्सचर. उसको मैंने किसी केमिकल के साथ, किसी रिएजेंट के साथ ट्रीट करके डायस्टीरियोमर में कन्वर्ट कर दिया. डायस्टीरियोमर में जब मैंने कन्वर्ट करा तो मेरे पास दो आगे वन एंड टू दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट थी. तो मैंने सेपरेट कर लिया. सेपरेट कर लिया, ये मेरी वन फॉर्म आ गया एनेंशियोमर, ये मेरी टू आ गया. देन उसको मैंने हाइड्रोलाइज कर दिया. ये मेरे पास डेक्सो फॉर्म आ गई, दूसरे को हाइड्रोलाइज करा, मेरे पास लीवो फॉर्म आ गई. तो अब हम एक एग्जांपल के साथ डिस्कस करेंगे. सपोज मेरे पास लैक्टिक एसिड मॉलिक्यूल है, रेसमिक मिक्सचर है. मैं ऐसे लिख सकती हूँ, लैक्टिक एसिड को हमने किसी भी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड के साथ ट्रीट करा. जब हमने लैक्टिक एसिड को ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, सपोज हमारे पास ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड ब्रूसीन है, इसके साथ ट्रीट करा, हमारे पास डायस्टीरियोमर बना. एक डायस्टीरियोमर क्या बना? डेक्सो लैक्टिक एसिड विद ब्रूसिन, ये वाला मॉलिक्यूल. दूसरी मेरी फॉर्म क्या बनी? लीवो लैक्टिक एसिड ब्रूसिन, हमारे पास एक ही मॉलिक्यूल था ना. ये दोनों मेरे डायस्टीरियोमर है. डायस्टीरियोमर है सेपरेटेड, डायस्टीरियोमर बन गए सेपरेटेड बिकॉज ऑफ डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज. दैट मीन्स मेरे पास ये दोनों फॉर्म सेपरेट हो गई. सेपरेट होने के बाद मैंने इनको हाइड्रोलाइज करा. दैट इज मेरे पास ये वाली फॉर्म साथ में मेरे पास दूसरी फॉर्म, एक डायस्टीरियोमर मेरे पास ये आ गया, दूसरा डायस्टीरियोमर मेरे पास ये वाला आ जाएगा. इसको मैंने HCl के साथ ट्रीट करा, मेरे पास ये लैक्टिक एसिड अलग आ गया. इसको मैंने HCl के साथ ट्रीट करा,
मेरे पास ये वाला लग, ठीक है, सिला दे। तो इस तरह ये हमारा सबसे बेस्ट मेथड है, बिकॉज इस केस में हमारे पास मटेरियल वेस्ट नहीं होता और हमारा टाइम भी इतना कंज्यूम नहीं होता। देन उसके बाद है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी क्या है हमारे पास? क्रोमेटोग्राफी में हमारे पास क्या होता है, एक कॉलम होता है, इसमें हमने यहाँ पे कोई एड्सॉर्बेंट लेते हैं और हम रेसमिक मिक्सचर को इसमें डाल देते हैं विद द हेल्प ऑफ सम सॉल्वेंट और एल्यूटेंट। जब हम कॉलम में एल्यूटेंट पास करते हैं तो दो जो भी रेसमिक मिक्सचर है या दो कंपाउंड्स का मिक्सचर हम पहले बात करते हैं, उन दोनों की एड्सॉर्प्शन इस एड्सॉर्बेंट पे अलग अलग है। तो पहले मेरे पास एक फॉर्म आ जाती है, दूसरी, फिर बाद में मेरे पास दूसरी फॉर्म आ जाती है। बट जब मेरे पास रेसमिक मिक्सचर होता है तो मैं एड्सॉर्बेंट कौन सा यूज़ करती हूँ? ऑप्टिकली एक्टिव एड्सॉर्बेंट यूज़ करा। उस केस में जो मेरी एक फॉर्म है उसकी एड्सॉर्प्शन अलग है, दूसरी फॉर्म की एड्सॉर्प्शन अलग है। तो सपोज मेरा डेक्सो की मोर एब्जॉर्प्शन है, वो मेरा लेट एल्यूट होएगा, और जो मेरा लीवो है दैट इज नेगेटिव से हम रिप्रेजेंट, वो लेस एब्जॉर्ब हो रहा है, उसके एब्जॉर्प्शन लेस है, तो वो मेरा पहले आ जाएगा एल्यूटेट होके। इस तरह मैं क्रोमेटोग्राफी से विद द हेल्प ऑफ कॉलम एंड ऑप्टिकली एक्टिव एड्सॉर्बेंट I can separate both the forms। तो ये हमारे पास resolution आ गई कैसे हम racemic mixture को separate कर सकते हैं। Then उसके बाद है मेरे पास molecules में different chiral centers है। जब हम diastereomer की बात करें तो अगर मेरे molecule में n chiral centers हैं, मेरे पास उस case में कितने stereomers exist करते हैं? Suppose हमारे पास compound है ये वाला, इस मॉलिक्यूल में मेरे पास एन काइरल सेंटर है और कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। अगर मेरे मॉलिक्यूल में एन काइरल सेंटर है और कोई ही प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स कितने हो जाएंगे? 2^5 n। दो काइरल सेंटर है, 2^2 फोर फॉर्म्स हो जाएंगे। वो फोर फॉर्म्स कौन कौन सी होंगी? ये वाली फॉर्म है, इसकी मैं मिरर इमेज ड्रॉ कर लूँ, ये फॉर्म है, इसकी मिरर इमेज मेरे पास देन उसके बाद ऑप्टिकली एक्टिव नेक्स्ट फॉर्म को है कि आधा मॉलिक्यूल मैं सेम ड्रॉ कर लूँ और आधा मिरर इमेज कर लूँ, देन मैं उसकी मिरर इमेज कर दूँ। तो इस तरह इस मॉलिक्यूल में अगर एन काइरल सेंटर है, एन का नंबर ऑड इवन कुछ भी हो सकता है, तो मेरे पास 2^n ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म्स आएंगे। देन उसके बाद मेरे पास नेक्स्ट कैटेगरी है, मेरे मॉलिक्यूल में एन काइरल सेंटर है, एन इवन है एट प्लेन ऑफ सिमेट्री, मेरे पास ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म्स 2^n-1 आ जाएंगी, मीजो फॉर्म्स 2^n-1 n/2
माइनस वन आ जाते, एक मेसोफॉर्म आ जाएगी। यहाँ पे अभी हम इसकी एग्जांपल लेते हैं, सपोज मेरे पास वही टार्टरिक एसिड है, ये मेरी ऑप्टिकल एक्टिव फॉर्म है, इसकी मिरर इमेज, ये फॉर्म आ गई। इनएक्टिव फॉर्म मेसोफॉर्म क्या आ जाएगी, एक हाफ दूसरे हाफ को करता है, एक हाफ आइडेंटिकल है, एक हाफ मिरर इमेज है, ये आइडेंटिकल है, दैट मीन्स मेरे पास उस केस में ये फॉर्म आ गई, दूसरा मिरर इमेज है। इस मॉलिक्यूल में यहाँ पे देखूंगी प्लेन ऑफ सिमेट्री जो मॉलिक्यूल के टू इक्वल हाफ में डिवाइड कर रहा है, तो ये मेरी ऑप्टिकली इनएक्टिव फॉर्म मेसोफॉर्म आ जाएगी। इसकी मिरर इमेज मेरे पास क्या आएगी, ये दोनों फॉर्म्स मेरी आइडेंटिकल है, ये एक ही फॉर्म है, क्योंकि इसको जब मैं 180 पे रोटेट करती हूँ मेरे पास ये फॉर्म आ जाती है, तो ये दोनों मेरी वन फॉर्म है। तो मेरे पास फॉर्मूला क्या था, एन काइरल सेंटर इवन नंबर है, ऑप्टिकल एक्टिव फॉर्म्स मेरे पास क्या आ गई, टू रेज टू पावर टू काइरल सेंटर माइनस वन, टू रेज टू पावर वन, टू ऑप्टिकल एक्टिव फॉर्म्स, ये दोनों हो गए वन एंड टू। मेसोफॉर्म मेरे पास क्या होगी, टू रेज टू पावर टू माइन अपॉन टू माइनस वन, टू रेज टू पावर टू वन हो गए, टू रेज टू वन माइनस वन, टू रेज टू पावर जीरो, टू रेज टू पावर जीरो इज इक्वल टू वन, वन मेरे पास ऑप्टिक मेसोफॉर्म हो जाए। देन उसके बाद हमारे पास थर्ड कैटेगरी है, मेरे मॉलिक्यूल में एन काइरल सेंटर है, एन का नंबर ऑड है एंड मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री है। इस केस में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म्स कितनी आ जाएंगी, टू रेज टू पावर एन माइनस वन माइनस टू रेज टू पावर एन माइनस वन अपॉन टू। मेसोफॉर्म्स हमारे पास आ जाएंगे टू रेज टू पावर एन माइनस वन अपॉन टू। यहाँ पे हम पहले एग्जांपल कंपाउंड के ले रहे हैं, सपोज मेरे पास ये कंपाउंड है, ऑड काइरल सेंटर्स है, विच इज ओ एच एच ओ एच एच OH, H, तीन काइरल सेंटर्स हो गए, ऑड नंबर हो गया, इसकी ये मेरी ऑप्टिकल एक्टिव फॉर्म होगी क्योंकि मॉलिक्यूल में कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। इसकी मिरर इमेज मेरे पास ये भी ऑप्टिकल एक्टिव है। देन मेरे मॉलिक्यूल में और क्या स्ट्रक्चर पॉसिबल है, कुछ मॉलिक्यूल पार्ट सिमिलर है, कुछ मिरर इमेज है। सपोज मेरे पास मॉलिक्यूल में ये एच ओ एच प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे आ जाता है, एक फॉर्म ये ओके, ये मेरी मिरर मेसोफॉर्म है, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाएगा, टू इक्वल हाफ में डिवाइड करें। एक और मेरे पास मेसोफॉर्म क्या हो जाएगी, अब ये दोनों फॉर्म्स थर्ड एंड फोर्थ अलग अलग हैं, तो मेरे पास टोटल मॉलिक्यूल में कितनी फॉर्म्स होगी, टू रेज टू पावर एन माइनस वन माइनस एन माइनस वन टू, दैट इज ऑप्टिकल एक्टिव फॉर्म हमारी कितनी आई अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, तीन काइरल सेंटर है, टू रेज टू पावर थ्री माइनस वन माइनस टू रेज टू पावर थ्री माइनस वन अपॉन टू इज इक्वल टू टू रेज टू पावर टू माइनस टू रेज टू पावर वन इज इक्वल टू टू रेज टू पावर वन इज इक्वल टू टू। तो मेरी ऑप्टिकल एक्टिव फॉर्म्स दो आ गई हैं इस केस में। मेसोफॉर्म कितनी आई, टू रेज टू पावर एन माइनस वन अपॉन टू, टू रेज टू पावर थ्री माइनस वन अपॉन टू, टू रेज टू पावर टू अपॉन टू, टू रेज टू पावर वन इज इक्वल टू टू, दो मेरी मेसोफॉर्म्स आ गई।